अच्छा भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर नवंबर 17 पेपर 23। ये भी इतना कुछ खास मुश्किल नहीं था, आसान से ही पेपर था, शॉर्ट था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, बबल सॉर्ट वाला। उसके आप लोग इतना यूज्ड टू नहीं होते, इवन दो वो काफ़ी आसान है, अगर खैर उसे पे रट्टा तो ना मारो, लेकिन अगर आप उसे एक बार समझ के याद कर लो काफ़ी आसान है वो। बबल सॉर्ट में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा मसला आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ वो भी। अच्छा, सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, आपने डेटा टाइप्स बतानी है इन सारी चीज़ों की। सबसे पहले एक सिंपल नंबर है जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो वो इंटीजर हो जाएगा। अब यही नंबर आपका है विद कोटेशन मार्क्स। जब कोटेशन मार्क्स में कोई भी चीज़ होती है तो वो स्ट्रिंग होती है। उसके बाद ये भी स्ट्रिंग है। उसके बाद ट्रू, ट्रू या फॉल्स हो तो वो बूलियन होता है। उसके बाद ये एक डेट है, और उसके बाद है हमारे पास एक रियल नंबर। अच्छा, उसके बाद स्टेट एंड अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर टू स्टोर द इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर्स फॉर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्लास की बात हो रही, इंडिविजुअल इंडिविजुअल किसी बच्चे की बात नहीं हो रही। तो आपने जब एक ग्रुप ऑफ डेटा सेम डेटा टाइप का रखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 1D arrays। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द आस्की कैरेक्टर सेट। अच्छा, आस्की कैरेक्टर सेट होता क्या हमारे पास? ये आप लोगों ने P1 में पढ़ा होगा कि हर एक नंबर को, हर एक लेटर को और हर एक नंबर को आप एक स्पेसिफिक कोड दे देते हो, जिसे हम कहते हैं आस्की कोड। और वो आस्की कोड यूज होता है प्रोग्रामिंग में भी, कंप्यूटर भी उसे यूज करता है डिक्रिप्ट करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए कि ये यूजर लिखना क्या चाह रहा है। अच्छा, यही बात हम लिख लेते हैं। अच्छा, और एक और बात याद रखना कि ये यूनिक होते हैं हमेशा, कोई भी दो कैरेक्टर्स ऐसे नहीं है जिनका आस्की कोड सेम हो। ईच कैरेक्टर, एज ए यूनिक बाइनरी कोड लिख लो या फिर आस्की कोड लिख लो। आस्की वैल्यू टू रिप्रेजेंटेड, कोई भी कैरेक्टर है ना जो एग्जिस्ट करते हैं आपके कीबोर्ड पे, या स्पेशल कैरेक्टर जो एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी की एक यूनिक आस्की वैल्यू होती है। अच्छा, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स आर सब रूटीन्स। एक्सप्लेन वाई यू शुड डू सब रूटीन्स वेन डिजाइनिंग अ प्रोग्राम सोल्यूशन। हमें सब रूटीन्स क्यों यूज़ करनी चाहिए? सब रूटीन्स हमें यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए प्रोग्राम यूजबिलिटी, रीयूजबिलिटी आसान बना देती है। उसके अलावा, मतलब इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी हुई, लेट से आप एक कैलकुलेटर का ऐप बना रहे हो, और उस कैलकुलेटर के ऐप में आपको किसी, लेट से 100 जगहों पर आपने सम का कोड लिखना है, किसी चीज़ को सम करने का कोड, तो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है बजाय इसके कि आप हर जगह पे वो कोड लिखो और आपको बाद में याद आए कि यार ये तो मैंने कोड ही गलत लिख दिया, या फिर मैंने इस कोड में कोई चेंजेस करने हैं, तो बजाय इसके कि आप फिर 100 बार चेंजेस करो, इस सबसे बेहतर नहीं आप एक बार एक फंक्शन लिखो जिसमें आपने ये अपना कोड लिख दिया और वो फंक्शन हर जगह पे कॉल कर दो। फिर आपके चेंजेस करना भी आसान है और उस कोड को यूज़ करना भी आसान है। तो ये क्या करता है, ये रीयूजबिलिटी भी आसान कर देता है, चेंजेस करना भी आसान कर देता है। अच्छा, रीयूजेबिलिटी उसके साथ साथ रीयूजेबल करने के साथ साथ वो से क्या कर सकता है कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक कोड है। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं इजियर टू चेंज कोड। चेंज कोड लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि मेंटेन कोड, मेंटेन एक बेहतर वर्ड है। अच्छा, द फॉलोइंग सुडो कोड इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स।
आपके सामने नेस्टेड स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं जिन्हें हमने कन्वर्ट करना है केस स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले देख लेते हैं केस ऑफ किस चीज़ पे लग रहा है, माय वायर पे लग रहा है। तो केस ऑफ माय वायर, अच्छा अगर माय वायर की वैल्यू 1 है तो आपने क्या करना है, प्रोसीजर 1 को कॉल करना है। अगर माय वायर की वैल्यू 2 है प्रोसीजर 2 को कॉल करना है। अगर वैल्यू 3 है प्रोसीजर 3 को कॉल करना है। और हमने अदरवाइज में क्या करना है, क्योंकि ये एंड में एक ही एल्स है, इसमें हमने एक आउटपुट करना है। तो हम लोग क्या देंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 है कॉल proc 1, अगर उसकी वैल्यू 2 है कॉल proc 2, अगर उसकी वैल्यू 3 है तो हम कॉल करेंगे proc 3 को। और अदरवाइज में अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है आउटपुट एरर। इसके बाद हम लोग कर देंगे एंड केस, जो उसके बाद प्रोग्राम कोडिंग इज अ ट्रांसफरेबल स्किल, यू आर गिवन प्रोग्राम कोड इन अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट यू हैव नॉट स्टडीड। ठीक है, स्टेट टू डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कोड दैट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेजेस में मैंने पहले भी बताया कि जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा सेम होते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, उसमें आपको एक फॉर लूप मिलेगा, उसमें आपको वाइल लूप मिलेगा, उसमें आपको मतलब जनरली आपको लूप्स मिलेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, आपको इफ स्टेटमेंट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हाई लेवल लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आप रिकग्नाइज कर सकते हो आराम से। तो आप इनमें से दो कोई भी लिख दो, इटरेशन स्टेटमेंट्स लिख दो। उसके अलावा लिख दो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन टू पे आ जाओ। क्वेश्चन टू ने एक आपको एल्गोरिथम दिया हुआ है और एक ट्रेस टेबल दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि इस एल्गोरिथम की बेसिस पे ये ट्रेस टेबल सॉल्व करो। अच्छा, एल्गोरिथम देख लेते हैं। हम चार वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं जो उसने हमारे लिए पहले ले ली। उसके बाद एक लूप लग रहा है नंबर का, स्टार्ट नंबर से लेके एंड नंबर तक। तो नंबर में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, स्टार्ट नंबर की, ये लिख ले दो। स्टार्ट नंबर में है 11, तो नंबर में आ गया 11। अच्छा, उसके बाद रिमाइंडर इज इक्वल टू, फिर आप एक रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो और उसकी बेसिस पे एक इफ स्टेटमेंट लग रही है। अच्छा, रिमाइंडर इज इक्वल टू मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है कि हम नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन करके, और जो हमारा रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर हमारा चला जाता है मॉडुलस में। तो मॉडुलस हमेशा आपको रिमाइंडर देता है किसी भी नंबर का। तो अभी यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास 11। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर की वैल्यू है 2। 11 डिवाइडेड बाई 2 करो और उसका जो भी रिमाइंडर आता है वो लिख दो। 11 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 पे 10 आ जाता है 1, तो रिमाइंडर में चला गया 1। उसके बाद एक कंडीशन है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स है तो इसको हम देखते ही नहीं है, लेकिन अगर वो 0 है तो हम उसे आउटपुट करना है और नंबर फाउंड को इंक्रीमेंट करना है। खैर, हम लोग आगे एंड फॉर पे, एंड फॉर की वजह से हम लोग वापस टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाके अब नंबर इंक्रीमेंट हो गया, अब नंबर हो गया स्टार्ट नंबर जो भी था उससे +1, तो 12। अब हम 12 को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से। 12 को जब हमने डिवाइड किया डिवाइजर से तो ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0, तो रिमाइंडर में क्या चला गया, 0। अच्छा, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो गई। आउटपुट नंबर, नंबर की क्या वैल्यू, अच्छा यहाँ पे 12 भी लिख दो। आउटपुट में हम कर देंगे 12, साथ ही नंबर फाउंड को इंक्रीमेंट कर देंगे, नंबर फाउंड हो गया यहाँ पे 1। इसको बेशक अगली लाइन में कर दो ताकि समझ आए कि ये बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद अब वैल्यू हो जाएगी 13। एंड नंबर हमारा क्या है, एंड नंबर भी 13 है, तो अब ये लास्ट आइटरेशन है। अब नंबर की वैल्यू है 13, अब हम 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आएगा
सिक्स करेंगे, यहाँ पे 12 आएगा, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर में चला गया 1, तो इसके बाद 13, रिमाइंडर है 1, और आउटपुट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं है। अब हमारा फॉर का लूप खत्म। उसके बाद एक आउटपुट स्टेटमेंट है काउंट, और उसके बाद नंबर फाउंड की वैल्यू। तो आउटपुट में हम लिखेंगे काउंट, और काउंट है हमारे पास 1। अच्छा एक बार आप देखो कि ये कोड करता क्या है। हम लोग इसमें एक स्टार्ट नंबर डालते हैं, एक एंड नंबर डालते हैं। ये लूप चलता है स्टार्ट से लेके एंड तक, 11 से लेके 13 तक, और उसके बाद ये उसका डिवाइजर देखता है, उसे डिवाइड करता है, और उसका निकालता है रिमेनिंग रिमाइंडर। जब रिमाइंडर निकल आता है, उसके बाद अगर देखो 11 को हम 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ रहा था 1, हमने कुछ भी आउटपुट नहीं किया। 13 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ रहा था 1, हमने कुछ भी आउटपुट नहीं किया। 12 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आता है 0, तो हमने 12 को आउटपुट कर दिया। तो हम लोग इसेंशियली कर क्या रहे हैं, हम लोग इस स्पेसिफिक रेंज में डिवाइजर से जो भी नंबर्स डिविजिबल है ना, क्योंकि 12 परफेक्टली डिविजिबल था, उनको आउटपुट कर रहे हैं और उनको काउंट भी कर रहे हैं। अच्छा इसको हम लिखेंगे काउंट एंड आउटपुट। ऑल द नंबर्स इन अ गिवन रेंज दैट आर डिविजिबल बाय द डिवाइजर। उसके बाद हम लोग एंड में क्या करें, हम लोग उसका काउंट आउटपुट भी करें, आउटपुट द काउंट, हम ये बात भी लिख लेते हैं। तो इस बात के हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 अलग पॉइंट्स हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने फ्लो चार्ट बनाना है विदाउट डिक्लेरेशन इसी कोड का। अच्छा फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने लेनी इनपुट स्टेटमेंट्स। अब इनपुट स्टेटमेंट्स हम ऑब्वियसली लेंगे पैरेललोग्राम में, तो ये तो सारी की सारी एज इट इज पैरेललोग्राम में आ गई। उसके बाद अब एक लूप स्टार्ट हो रहा है। लूप हम लोग कैसे स्टार्ट करते होते हैं, इसमें लूप लिखते हैं और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन के साथ लूप स्टार्ट कर देते हैं, जिसके नीचे होती है एक सिलेक्शन स्टेटमेंट। लूप के अंदर हम लोग रिमाइंडर लेंगे, एक और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे एंड फॉर, और उसके बाद एक आउटपुट, छोटा सा ही है, इतना मुश्किल नहीं है। चलो भैया पेन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको अंदर इसमें ग्रीन से लिख लेंगे। चलो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग लेंगे इनपुट्स, इनपुट क्या क्या थी, स्टार्ट नंबर, एंड नंबर, डिवाइजर। बेशक एक ही लाइन में ले लो इनपुट, स्टार्ट नंबर, एंड नंबर, कॉमा, डिवाइजर। अब इसके बाद एक असाइनमेंट थी, नंबर्स फाउंड इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको उससे बाहर ही रखना है, मैंने पहले नहीं देखा, ये कुछ ऐसे होगा। नंबर्स फाउंड को हम लोग रखेंगे रेक्टेंगल में, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे विद 0। अब इसके बाद हम लोगों का फॉर लूप स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन फॉर लूप से पहले आप लोग ये देख लो कि जो नंबर का हमारा वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू इस बार 0 नहीं है, उसे एक इनिशियल वैल्यू भी मिल रही है।
उसकी इनिशियल वैल्यू पहले हमें उसे देते हैं जो कि है स्टार्ट नंबर। काम करते हैं इसी के अंदर देते हैं। अच्छा पेन ने रिस्पॉन्ड करा था फॉर अ सेकंड। नंबर इज इक्वल टू स्टार्ट नंबर। अच्छा स्टार्ट नंबर के बाद अब हमारा मेन लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक लूप, अब ये लूप चलेगा कैसे? इस लूप में एक कंडीशन लगेगी कि जब तक नंबर एंड नंबर से छोटा है चलते रहो। नंबर एंड नंबर पे भी चलना चाहिए, तो नंबर लेस देन इक्वल टू एंड नंबर क्वेश्चन मार्क। अगर तो ऐसा है तो हमारा लूप चलेगा। लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन कॉल करनी है। जहां पे हमारी फंक्शन कॉल्स होती है वहां पे हम लोग एक ऐसा बॉक्स यूज करते हैं। अब इसमें हम फंक्शन कॉल रखते हैं यार रिमाइंडर इक्वल्स टू मॉड नंबर कॉमा। एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा। नंबर कॉमा डिवाइजर। अच्छा अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हम देखते हैं हमने क्या करना है। हमने रिमाइंडर के बेसिस पे एक और क्वेश्चन लगाना है कि रिमाइंडर अगर जीरो है तो हमने एक आउटपुट करना है और एक असाइनमेंट करनी है। फ्लो चार्ट थोड़ा सा लंबा बाहर जाएगा, इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक लगाएंगे क्वेश्चन, इज रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो है तो हमने क्या करना है, और अगर वो जीरो नहीं है तो क्या करना है। Yes को हम एक साइड पे ले जाते हैं। यहां पे हम लोग ले जाएंगे नो को। सबसे पहले देखते हैं यस में हमने क्या करना है। अगर तो वो है तो हमें पहले करना है एक आउटपुट। आउटपुट करना है नंबर। और अगर ऐसा नहीं है, आउटपुट नंबर चालू करने के बाद एक और काम भी था, हमें इंक्रीमेंट करना है नंबर फाउंड को।
इक्विवेंडम फाउंड। अब ये दोनों जाएंगे वापस लूप पे, जब नो होता है तो नो जाएगा वापस, इसमें हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट नंबर को, इंक्रीमेंट नंबर, नंबर है हमारा मेन आइटरेटर। अच्छा, नंबर को इंक्रीमेंट करने के बाद ये वापस टॉप पे जाएगा। चलो भाई इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ये चला जाएगा वापस टॉप पे, और जो यस वाला है वो भी ये स्पेसिफिक फंक्शंस करके वापस इसी में ज्वाइन हो रहा है। अच्छा, अब जब हमारा लूप एंड होगा तब हमने क्या करना है? लूप हमारा एंड होगा तो यहाँ पे तो यस था, यहाँ से निकाल लेते हैं हम नो। नो का मतलब है कि हमारा लूप एंड हो चुका है। जब हमारा लूप एंड हो चुका है हम लोग करेंगे एक सिंपल आउटपुट, आउटपुट के बाद हमने करना है एंड। आउटपुट काउंट कॉलन, और इसको हम लोग कंकैटिनेट कर रहे हैं विद नंबर फाउंड, और इसके बाद फाइनली हम लोग कर देंगे इसको एंड। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बन गया। ये हमारी लूप एंड होने की कंडीशन है। लूप के एंड होने के बाद क्या करना है, लूप के दौरान क्या करना है, और उसके अंदर सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट लगी हुई है यहाँ पे। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। अच्छा, उसके बाद अ मल्टी यूजर कंप्यूटर कंपनी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, इट यूजेस 1D एरे यूजर नेम एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर लिया करो। अच्छा, उसके बाद उसका फॉर्मेट गिवन है आपको, फॉर्मेट क्या है कि यूजर आईडी है 6 कैरेक्टर्स का ऑफ नंबर्स, पहले 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि नंबर्स हैं लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाना चाहिए, लेफ्ट। लेफ्ट कितने का, 6 का। उसके बाद हमारे पास है यूजर नेम जो कि एक वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। तो वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर, फॉर अ प्रोसीजर बबल सॉर्ट। यहाँ पे आपने लगाना है बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट तो लगाना है, लेकिन टू परफॉर्म एफिशिएंट बबल सॉर्ट ऑन यूजर नेम एरे द एरे इज टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूजर आई डी। आपने यूजर आई डी की बेसिस पे इस पे आपने लगाना है बबल सॉर्ट। तो मतलब हम जो कंपेरिजन्स करेंगे ना, जो बबल सॉर्ट में आपके कंपेरिजन्स होते हैं, कंपेरिजन से पहले हम लोग दोनों वैल्यू की यूजर आई डीज एक्सट्रैक्ट करेंगे। यूजर आई डीज एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अगर तो वो कंपेरिजन की वैल्यू ट्रू आ जाती है, मतलब इफ स्टेटमेंट हमारी अगर चलनी चाहिए जिसमें ट्रू आ जाता है, तो हम लोग जो स्वैपिंग करेंगे वो स्वैपिंग हम फिर उस सिर्फ यूजर आईडी की नहीं करेंगे, वो हम इस पूरी लाइन की करेंगे। ये बात अपने जहन में रखना। और हमने इसे बनाना है एफिशिएंट, या ये भी यहाँ कहीं लिखा हुआ था, हाँ ये रहा, एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। एफिशिएंट में और इनएफिशिएंट में क्या फ़र्क है, एफिशिएंट तब रुकना बंद हो जाता है जब उसका नो स्वैप का बूलियन पूरे की पूरी आइट्रेशन के थ्रू ट्रू रहता है। तो ये बात भी अपने जहन में रखना। अब स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर है तो इसका हेडर लिखते हैं, प्रोसीजर बबल सॉर्ट। रिटर्न ही कुछ भी नहीं कर रहा और पैरामीटर्स भी कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लाइन छोड़ दो डिक्लेरेशंस के लिए। डिक्लेरेशंस के बाद सबसे पहले हम लोग एक डिक्लेयर करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, बाउंड्री इनिशियली हमारे पास होगी 99। हमेशा बाउंड्री आपकी अपर बाउंड से
एक वैल्यू नीचे होती है। बाउंड्री के बाद हम लोग लगाएंगे एक रिपीट का लूप, जिसके अंदर हम लोग अपनी बूलियन नो स्वॉप्स को ट्रू कर देंगे, क्योंकि अभी ये बात ट्रू है कि कोई भी स्वॉपिंग नहीं हुई अभी तक। इसके बाद हमारा लगेगा दूसरा लूप फॉर आई इक्वल्स टू, अब ये लूप लगेगा हमारा स्टार्ट से लेके बाउंड्री तक। बाउंड्री हमारी होती जाएगी हर आइटरेशन में छोटी। अब हम लोगों ने करना है मेन काम, एक्सट्रैक्शन वाला, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाला। यूज़र आईडी हमें चाहिए इस यूज़र नेम एरे में से। यूज़र नेम एरे में से यूज़र आईडी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें लेफ्ट लगाना पड़ेगा यूज़र नेम एरे के स्पेसिफिक इंडेक्स पे। इसको हम करते हैं इस तरह, ID1 इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट तो हमने लगा लिया, चलो लेफ्ट कॉमा सिक्स, लेफ्ट कॉमा सिक्स लगा लिया। अब किस पे हमें बारी बारी कहाँ से वो वैल्यूज उठानी है, हमें वो वैल्यूज उठानी है यूजर नेम एरे से। तो यूजर नेम एरे का जो भी आई आई थ इंडेक्स होगा, तो यूजर नेम अरे के आई इंडेक्स से हमने उठाने हैं उसके लेफ्ट वाले सेकंड। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। ID2 जिसके साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या रखेंगे, सेम यूजर नेम अरे, लेकिन I+1। तो हम लोग दो एडजेसेंट इनको उठा रहे हैं, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को। अब इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे क्योंकि ये सिर्फ अब यूजर आईडीज हैं। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, हमें इन्हें बनाना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए स्वॉपिंग कंडीशन क्या होती है, हमें स्वॉप कब करना है, जब पहला वाला एलिमेंट की बात अपनी, अगर कुछ ऐसे है ना यहाँ तीन और यहाँ पर, और हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये हमारी समझ लो ID1 है, ये हमारी ID2। अगर ID1 ID2 से बड़ी है सिर्फ तब स्वॉपिंग होगी। अगर ID1 इस तरह इस केस में अभी छोटी है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे हो, अब ID1 ID2 से बड़ी है तो हम लोग स्वॉपिंग करेंगे। तो यही कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। इफ ID1 इज ग्रेटर देन ID2, अगर तो ID1 ID2 से ग्रेटर है, इस केस में हमें करनी है अब स्वॉपिंग। दो वेरिएबल की वैल्यूज को स्वाप करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम एक टेम्प बनाते हैं। अब टेम्प पे हम लोग लिख लेंगे यूजर नेम अरे का पूरा एक्सट्रैक्टेड। हमने सिर्फ अब इसकी यूजर आईडी नहीं लिखनी, यूजर आईडी और यूजर नेम दोनों लिखने। अब यूजर नेम अरे में हम लोग ले जाते हैं I+1, और अब यूजर नेम I+1 में हम लोग ले जाते हैं टेम्प। इस तरह हम लोग इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर लेंगे। स्वैप करने के साथ साथ अब जब हम ID1 और ID2 के अंदर आ गए, इसका मतलब है कि अब एक एटलीस्ट एक स्वैप तो हो गया, हम नो स्वैप्स को कर देंगे ट्रू। जब तक नो स्वैप ट्रू रहेगा ये लूप चलता रहेगा। अब हमने करना है एंड इफ, एंड इफ के बाद हम लोग कर देंगे नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई के बाद अब हमें अपनी बाउंड्री की वैल्यू एक बार छोटी करनी है। ऐसा हमें क्यों करना है, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में लेट्स सी हमारी अरे है, चलो इसमें एक छोटी सी तो वापस ट्रू, इसमें हम कुछ वैल्यूज लेके देख लेते हैं। लेट्स सी ये 16 है, फिर 12 है, उसके बाद 20 है। तो सबसे पहले अब क्या होगा, 16 और 12 स्वाप होंगे, 12 बल्कि 16 12 और 10 कर लो। सबसे पहले क्या होगा, 16 और 12 स्वॉप होंगे, और उसके बाद सेम आइटरेशन में 16 और 10 भी स्वॉप होंगे, 12 10 16। अब एक बात पता है कि हमारी बाउंड्री जो है ना, जो पहले यहाँ थी, अब वो बाउंड्री आ जानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब 16 पक्का पक्का अपनी जगह पे जहाँ
वो पहुंच गए, तो इसलिए हम अपनी बाउंड्री को छोटा करते जाते हैं। इन दोनों को हम करें तो ये 10, ये 12, अब हमारी बाउंड्री आ गई। जब हमारी बाउंड्री यहाँ पे आ जाती है, तो इसके बाद हम मतलब कि लास्ट एलिमेंट हमारी बाउंड्री आ जाती है, हमारा लूप एग्जिट होता है, क्योंकि फिर एंड में कोई स्वॉप करने को बचता ही नहीं। तो नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए के बाद हम लोग कर लेंगे अपनी बाउंड्री को छोटा। बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री माइनस वन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टाइप भी हो गया, ठीक है, बाउंड्री इज इक्वल टू बाउंड्री माइनस वन। अब हमने करना है रिपीट लूप टू एंड, तो रिपीट लूप की हम लोग कंडीशन लिखेंगे अंटिल नो स्वॉप्स इज इक्वल टू ट्रू। जब तक नो स्वॉप्स ट्रू नहीं होता, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा, और एंड प्रोसीजर। आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए, अगर करना चाहो तो कर लो। आप लोग क्या करो कि अब यही सारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो यूजिंग अ वाइल लूप। थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन कोशिश करो कि स्क्रैच से खुद इम्प्लीमेंट करो बगैर इस वीडियो को। चलो वीडियो तो अब आप देख ही ली होगी इस पॉइंट तक, लेकिन एटलीस्ट एक बार ये बंद करो और बगैर कोड से हेल्प लिए एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सॉट आपको तभी आएगा जब आप खुद कंपेरिजन करके खुद सॉल्व करोगे, खुद कोड करोगे। अच्छा, अब हम डिक्लेयर कर लेते हैं चीज़। डिक्लेयर बाउंड्री कॉमा आई कॉमा, बाउंड्री था आई था, ठीक है, सिर्फ ये दो हैं इंटीजर। इसके बाद स्ट्रिंग डिक्लेयर ID1 कॉमा ID2 कॉमा टेम्प, ये तीनों हैं हमारे पास स्ट्रिंग। उसके बाद तीसरा हमारे पास एक बुलियन है, बुलियन। यहाँ पे हमारा बबल सॉर्ट का कोड कंप्लीट हो गया, एफिशिएंट बबल सॉर्ट का। अच्छा, उसके बाद द वैल्यू ऑफ यूजर आईडी शुड बी यूनिक फॉर ईच यूजर, बट अ प्रॉब्लम हैज अकर्ड एंड रिपीटेड यूजर आईडी वैल्यूज मे हैव बीन इशूड। अब वो क्या कह रहा है कि एक छोटा सा मसला है कि यूजर आईडीज रिपीट हो रही है हमारे पास। द एरे इज सॉर्टेड बाई यूजर आईडी। अब हमने एरे को यूजर आईडी से सॉर्ट तो कर लिया, सो एनी रिपीटेड यूजर आईडीज विल बी रिपीटेड इन कंसेक्यूटिव एरे एलिमेंट्स। अब वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से एक बंदे की पर्सन वन की आईडी भी वन है, पर्सन टू की आईडी भी वन है। जब हम बबल सॉर्ट लगाएंगे इन पे ना, अब बबल सॉर्ट से ये दोनों वन जो हैं ये स्टार्ट में आ गए। अब हमारे लिए आसान है कंपेयर कहीं से भी देखना कि इनमें कोई रेपिटेशन तो नहीं है, क्योंकि रेपिटेशंस हमारी हमेशा एडजेसेंट होंगी। अब कंजेक्टिव एरे एलिमेंट्स में हमारी रेपिटेशंस होंगी। अच्छा, अब एक प्रोसीजर हमें बनाना है फाइंड रिपीट्स। फाइंड रिपीट्स क्या करेगा, कंपेयर ईच एलिमेंट विद द प्रीवियस एलिमेंट, ईच एलिमेंट विद द प्रीवियस एलिमेंट। हम लोग ने हर एलिमेंट को उसके पिछले एलिमेंट से करना है। तो अगर इस केस में हम लोग देखें, हम लोग किसको किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग सेकंड से स्टार्ट करेंगे, उसको फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, उसके बाद थर्ड को देखेंगे, उसको सेकंड से कंपेयर करेंगे, उसके बाद फोर्थ को देखेंगे, उसको थर्ड से कंपेयर करेंगे। तो मतलब एक एक स्टेप पीछे जाके हमने देखना है। सेकंड से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ हम इसे कंपेयर कर सकें। हमारा लूप सेकंड से स्टार्ट होगा, ये बात हमें समझ आ गई। एंड आउटपुट द यूजर आई डी एंड यूजर नेम इफ द यूजर आई डी इज रिपीटेड। तो अगर तो आगे वाली आई डी और पीछे वाली आई डी सेम है, इसका मतलब है कि वो रिपीटेड है, उस केस में हमने क्या करना है, वो यूजर आई डी और वो यूजर नेम दोनों आउटपुट कर देने। उसके साथ साथ आउटपुट द टोटल नंबर, टोटल नंबर के लिए क्या करेंगे, हम एक काउंट रखेंगे, स्टार्ट में से जीरो डिक्लेयर करेंगे, इनिशलाइज करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ ये ट्रू होगा वहाँ पे हम उसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ यूजर नेम आई डी रिपीट हुई है वो हमें पता चल जाए एंड हम इसका काउंट दे देंगे। अब उसने हमें एग्जाम्पल दी हुई है। अब देखो, पहला 1 2 3 4 5 6 आया तो हमने कुछ भी नहीं बोला। जब दूसरा आएगा ना और हम इसे पीछे वाले से कंपेयर करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये रिपीटेड है। फिर ये वाला, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और हम बोलेंगे रिपीटेड। पहला आया कुछ भी नहीं बोला, सेकेंड आया तो हम बोलेंगे रिपीटेड। और रिपीटेड के बाद इसका आउटपुट हम लोग कैसे देंगे, जो जो रिपीट हो रहे हैं ना उनका यूज़र आईडी और यूजर नेम दोनों आउटपुट करेंगे। और एंड में हम लोग एक आउटपुट लूप से बाहर, जब हमारा सारा लूप चल जाएगा उससे बाहर एक ही बार हम आउटपुट करेंगे कि यहाँ वहाँ पे टोटल
रिपीटेड एलिमेंट्स कितने हैं। अच्छा, अगर कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं मिलता तो यहाँ पे एक इफ़ लगेगा कि हमारा काउंट अगर ज़ीरो है उस केस में हम लोग ये आउटपुट करेंगे, तो एंड में ये भी लूप से बाहर एक और इफ़ लगेगा। अच्छा, प्रोग्राम कोड लिखना है फाइंड रिपीट्स के लिए, फाइंड रिपीट्स जो कि है एक प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर फाइंड रिपीट्स। अब उसने हमें क्लियरली कहीं भी नहीं कहा पैरामीटर्स लेने का, तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि ये अरेज जो हैं ग्लोबल है। ग्लोबल होने का मतलब है कि हमें मेन्यू डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे पास में ज़रूरत है कि हम इन्हें पैरामीटर्स में लिखें। थोड़ी सी लाइन डिक्लेरेशन की छोड़ दो। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना काउंट को इनिशलाइज करेंगे। काउंट को इनिशलाइज करते हैं हम ज़ीरो। काउंट के बाद अब हमारा लगेगा लूप। लूप मैंने क्या कहा था, कहाँ से स्टार्ट होगा, टू से। टू से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि टू से पिछला कंपैरिजन वन होगा, तो वन ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं, टू टू 100। जब हम 100 पे होंगे तो हम किसे कंपैरिजन करेंगे, 99 से। तो हमें जाना है टू से लेके 100। अब हमें निकालनी है इनकी आईडीज। हम एक काम करते हैं, चलो आईडीज निकाल ही लेते हैं वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ID1 इज इक्वल टू लेफ्ट यूजर नेम एरे आई कॉमा 6। ID2 यूजर नेम एरे आई -1। इसमें आगे नहीं जा रहे, इसमें हम लोग जा रहे हैं पीछे, एक नंबर पीछे। अच्छा, इसके बाद अब अगर ID1 ID2 की इक्वल हो जाती है, इसका मतलब है कि ये एक रेपिटेशन है। रेपिटेशन के केस में हमें क्या करना था, हमें आउटपुट करना था पूरे यूजर नेम को। तो हम लोग करेंगे आउटपुट यूजर नेम अरे आई, यूजर नेम अरे हमारे पास आई का इंडेक्स आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कर देंगे काउंट को इंक्रीमेंट, काउंट +1। यहाँ पे लगा दिया एंड इफ, सिर्फ यही दो काम। एंड इफ के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट आए। अब नेक्स्ट आए, अब हम लूप से एग्जिट हो गए। अब जब हम लूप से एग्जिट कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जितनी भी रेपिटेशन हैं सारी इस काउंट में स्टोर होंगी। अब हमें करना है लेकिन आउटपुट की भी कंडीशन, कंडीशन क्या थी, कि अगर आपको कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं मिलती तो अलग आउटपुट था, रिपीटेड वैल्यूज मिलती हैं तो अलग आउटपुट। तो हम लोग करेंगे काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर तो काउंट ज़ीरो ही रहा, आपका अकाउंट अपडेट हुआ ही नहीं, तो हम लोग आउटपुट करेंगे काउंट अपडेट नहीं हुआ तो हम लोग क्या आउटपुट करेंगे, द एरे कंटेन्स नो रिपीटेड यूजर आईडीज। द एरे कंटेन्स नो रिपीटेड यूजर आईडीज। एल्स अगर आपका काउंट ज़ीरो नहीं है तो हम लोग अबाउट करेंगे देर आर के बाद हम एक स्पेस देते हैं, उसे कंकैटिनेट करेंगे एक नंबर के साथ, जो नंबर क्या है, काउंट। अब हम एक नंबर को कंकैटिनेट नहीं कर सकते एक स्ट्रिंग के साथ, या एटलीस्ट ये जो ये गिवन पेपर्स है ना 17 18 के, इनमें तो मसला नहीं है, लेकिन अब 9 6 1 8 में ये एक मसला होगा। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, नम टू स्ट्रिंग। ये मैं आप लोगों के अपेंडिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोगों के गिवन अपेंडिक्स में नम टू स्ट्रिंग ये होता है, नम टू स्ट्रिंग काउंट। उसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग बाकी का आउटपुट लिख लेंगे, रिपीटेड यूजर आईडीज। रिपीटेड यूजर आईडीज यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एंड प्रोसीजर। इतना सा प्रोसीजर था बस, आपने उन चीज़ों को काउंट करना है इफ की स्टेटमेंट पे और बस आउटपुट कर देना। अब हम करेंगे डिक्लेयर काउंट कॉमा आई कॉमा, काउंटर आई था, काउंट कॉमा आई।
इंटीजर, साथ ही हम डिक्लेयर करेंगे ID1, ID2, और इनको हम लोग डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग। बस इंटीजर और स्ट्रिंग यूज हुए हमारे पास। उसके बाद द फाइंड रिपीट्स प्रोसीजर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, नेम थ्री स्टेजेस इन अ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं? हम लोग डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद हम लोग उसे कोड करते हैं, कोड करने के बाद हम उसे टेस्टिंग करते हैं। तो ये तीन बेसिक स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, द प्रोग्राम कंटेनिंग फाइंड रिपीट्स विल बी क्रिएटेड यूजिंग एन IDE। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय IDE? IDE हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, VENVIEN, या एनवायरनमेंट। भाई हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, अभी मैं कोशिश करूंगा आगे से बेहतर करने की। अच्छा, नेम टू फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द आईडी दैट असिस्ट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। अब आईडी आपके लिए क्या क्या करती है? आईडी हमें सिंटेक्स स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करती है, जो कि इनिशियली आपको एक एरर से बचा लेती है, एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा आईडी हमें ब्रेक पॉइंट्स बनवा के देती है। ब्रेक पॉइंट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टेस्टिंग में और डीबगिंग। इसके अलावा लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, लिख सकते हो। उसके अलावा आईडी और क्या प्रिटी प्रिंट देती है, उसका लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद द प्रोसीजर फाइंड रिपीट्स इज रिटन अज्यूमिंग देयर आर 100 एलिमेंट्स इन द यूजर नेम एरे। अब ये हमने लिखा है क्या, अज्यूम करके कि यूजर नेम एरे में 100 के 100 पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं। इन द मेन प्रोग्राम द ग्लोबल एरे यूजर नेम एरे हैज बीन डिक्लेयर्ड विद ओनली 50 एलिमेंट्स। अच्छा, अब इससे क्या कौन सा एरर हो सकता है? वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि यूजर नेम एरे में हम लोग लूप लगा रहे हैं पूरा का पूरा 100 तक, लेकिन उसमें ऑलरेडी पड़े हैं सिर्फ 50 एलिमेंट्स। तो इससे कौन सा एरर हो सकता है? इससे जो एरर होगा उसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। क्योंकि जब प्रोग्राम हमारा चल रहा होगा उस टाइम पे हमारे प्रोग्राम को समझ आएगी कि भाई यहाँ पे तो कोई मसला है। देखो ना, सिंटेक्स एरर तो है ही नहीं। सिंटेक्स एरर होता है तो हमारा प्रोग्राम चलता ही ना। लॉजिकल एरर भी नहीं है क्योंकि लॉजिक तो हमारी बिल्कुल ठीक है, ये इसी लॉजिक पे चलना चाहिए फॉर अ डिफरेंट डेटा। एंड हमारे पास रह जाता है रन टाइम। रन टाइम क्यों है? क्योंकि आप रन टाइम पे आपकी एरे में कुछ भी हो सकता है, वो एक डायनामिकली चेंज हो रही है, उसमें कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो अगर ये जो कुछ होने में, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे अलग गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आपका प्रॉपर डेटा पड़ा हुआ है, तो ये जब आपस में कोलाइड करेगा और आपस में मिक्सअप हो जाएगा तो इसकी वजह से मसले आ सकते हैं। तो इसलिए ये एक रन टाइम एरर है। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग कन्वर्ट्स एन न्यूमेरिक वैल्यू टू अ स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इट इन अ स्पेसिफिक वे। अच्छा ठीक है, इन अ जेनेरिक हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मेटिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ मास्क सिस्टम। अच्छा, मास्किंग क्या होती है? मास्किंग बेसिकली होती है कि आप किसी भी चीज़ को ना लिखो मत, लेकिन उसकी स्पेस की जगह पे कुछ और डाल दो एज एन इंडिकेटर कि यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबली लिखी जा सकती है, उसे हम कहते हैं मास्किंग। इन दिस सिस्टम ईच कैरेक्टर ऑफ द मास्क कॉरिस्पॉन्ड्स टू वन कैरेक्टर इन द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्या कह रहा है कि ये जो आप स्ट्रिंग बनाओगे ना मास्किंग वाला, ये कॉरिस्पॉन्ड करता है किसी एक कैरेक्टर से आपके फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। अच्छा, मास्क कैरेक्टर्स हैं क्या क्या? हैश। अगर कहीं पे भी हैश है तो इसका मतलब है कि इस हैश की जगह पे या तो कोई डिजिट आ सकता है या स्पेस आ सकता है। अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट आ सकता है। तो अगर मैं लिखता हूँ ना हैश हैश जीरो, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे स्पेस आ जाए, यहाँ भी स्पेस आ जाए, यहाँ पे जीरो हो, यहाँ स्पेस स्पेस वन, स्पेस स्पेस नाइन। उसके अलावा क्या हो सकता है? स्पेस 10, स्पेस 95, 995, कुछ भी इन सब में से हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे हैश है वहाँ पे स्पेस भी अलाउड है, और जहाँ पे जीरो है वहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली कोई ना कोई नंबर ही रखना होगा, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। एनी द मास्क कैरेक्टर्स आर टेकन एज लिटरल वैल्यूज। अब उसने आपको खुद कह दिया कि इसके अलावा अगर आप कोई भी मास्किंग वैल्यू रखोगे ना तो वो एक लिटरल वैल्यू ही ली जाएगी और वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में भी एज इट इज लिखी जाएगी।
अब उसने आपको मास्क प्रोवाइड कर दिया। इस मास्क की बेसिस पे हमने ये फॉलोइंग टेबल जो है ये करना है। अच्छा, यूज स्क्वेयर टू रिप्रेजेंट अ स्पेस। यहाँ पे स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। पहली वैल्यू उसने हमें कर दी। अब मास्किंग कैसे है? मास्किंग में है 1327 डॉट, तो ये डॉट से आगे टू, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, पीछे एक हैश रह गया। अब इस हैश में हम कोई नंबर तो डाल नहीं सकते क्योंकि हमें अलाउड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस डाल देंगे। तो हमने वही किया, स्पेस 1327.50। अब है 1234, तो पॉइंट से आगे क्या है? पॉइंट से आगे तो फिर 0.00 ही होगा ऑब्वियसली, हम इसमें और तो कुछ लिख नहीं सकते, और हमें एक नंबर लिखना ज़रूरी है, हम लोग स्पेसेस भी नहीं डाल सकते, और इससे पीछे एक स्पेस डल जाएगी। तो एक स्पेस, उसके बाद 1234, उसके बाद 0.00, एंड में स्पेस नहीं डाल सकते, ये बात याद रखना, क्योंकि फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुई हुई है 0 से। अगर फॉर्मेटिंग हुई होती हाई से तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते। अच्छा, उसके बाद 7.456। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पॉइंट से पहले की 7। अब 7 से पहले एक नंबर होना बहुत ज़रूरी है, 7 से पहले भी फॉर्मेटिंग में 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे फिल करने के लिए? 0। उससे पीछे तीन तीन हैशेज हैं, तो हम तीन स्पेसेस अलाउड हैं, हमें हम तीनों स्पेसेस यूज कर लेंगे। इसके बाद है पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स अलाउड हैं, 0 0 लिखा है, तो हम लोग इसके सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स लिख लेंगे, 7.45। अच्छा, इसके बाद फॉर ईच रो इन द फॉलोइंग टेबल डिफाइन द मास्क रिक्वायर्ड। अब हमें बताना है कि इन वैल्यूज के हिसाब से एक अच्छा मास्क क्या हो सकता है टू प्रोड्यूस द फॉर्मेटेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। अब इनके मास्क हमें बताने हैं। अच्छा, सबसे पहले वाले का मास्क, अच्छा मास्क में याद रखना कि आपने पॉइंट्स, कॉमास, ये सारी चीज़ें भी एज इट इज रखनी है। अब हमें वैल्यू गिवन है और इसकी बेसिस पे हमें ये आउटपुट चाहिए, तो हम लोग अब हमें समझ आएगी कि मास्किंग यूज़ किस लिए कर रहे हैं। मास्किंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग इन वैल्यूज़ को इस तरह फॉर्मेट कर सकें। तो मास्किंग हम लोग किस तरह करेंगे? हमें 1 के बाद चाहिए कॉमा, मतलब जो भी पहला कैरेक्टर हो उसके बाद हमें चाहिए कॉमा। तो पहला कैरेक्टर जो है वो हम डिजिट ही हो सकता है, 0 कॉमा, उसके बाद 2 3 4, तो 3 जीरोज डाल दो, उसके बाद एक पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 जीरोज और। ये है हमारी फॉर्मेटिंग। अब अगले का फॉर्मेट क्या बनता है? अगले के फॉर्मेट के लिए हमें स्टार्ट में चाहिए पाउंड का साइन, उसके बाद यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे डॉट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पाउंड का साइन। अगर बन जाए पाउंड का साइन, अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास आता है एक डिजिट। डिजिट के लिए हम लिखेंगे 0, 0 के बाद एक कॉमा है, कॉमा के बाद 3 और डिजिट्स, उसके बाद एक पॉइंट, जिसके बाद 2 और डिजिट्स। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10345.56। अब यहाँ पे अब आप देखो तो कोई पॉइंट नहीं अलाउड, और हमें आउटपुट किस तरह चाहिए? आउटपुट हमें इस फॉर्मेट में चाहिए कि 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा हो, उसके बाद 2 डिजिट्स हो, उसके बाद आपने स्पेस भी अलाउ कर दी। तो स्पेस भी हो सकती है यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, और उसके बाद है डॉलर साइन। तो हम लोग करते हैं डॉलर साइन, उसके बाद 2 जो है उन्हें हम कर देंगे हैशेस। यहाँ पे स्पेस भी आ सकती है, नंबर भी आ सकता है, उसके बाद नंबर नंबर कॉमा नंबर नंबर नंबर। इसके बाद अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान है क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट पेपर 22 किया था उससे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अच्छा, स्पोर्ट्स क्लब मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ईमेल एड्रेसेस। वही ईमेल एड्रेसेस वाला है जिसमें पहले मेंबरशिप नंबर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईमेल एड्रेस। आप लोग होपफुली आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी भी है तो इतना मसला नहीं होगा, बस थोड़ा सा ये उससे प्रोग्राम चेंज है। अच्छा, मेंबरशिप ऑफ द क्लब हैज़ इंक्रीज एंड अ 4 कैरेक्टर मेंबरशिप इज़ नो लॉन्गर एडिकेट। पहले हमारे पास थे सिर्फ 4 कैरेक्टर्स मेंबरशिप नंबर के,
अब वो कह रहे हैं कि चार कैरेक्टर्स कम पड़ रहे हैं, चार कैरेक्टर्स क्यों कम पड़ रहे हैं, प्रॉबेबली उनकी 9999 मेंबर्स हो गए, उससे ज़्यादा इन्हें यूनिक रखने के लिए इनके पास मेंबरशिप नंबर्स नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन, इसका ये सोल्यूशन है कि अब हम लोग मेंबरशिप नंबर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे। तो ये प्रोसीजर मेक न्यू फाइल क्या कर रहा है, वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करने का मतलब है राइट मोड में ओपन कर रहा है। अच्छा रीड द लाइन, यहाँ से हम लोग पुरानी फाइल से रीड करेंगे, अब उसने रीड बोल दिया तो इसको हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में। फिर एक्सटेंड मेंबरशिप नंबर बाय एडिंग टू लीडिंग जीरोस, अब मेंबरशिप नंबर को हमने दो लीडिंग जीरो दे रहे हैं, लीडिंग जीरोस का मतलब होता है पहले जीरो आएगा उसके बाद मेंबरशिप नंबर, उसने एग्जाम्पल भी दे दिया 1234 को हम लोग कर देंगे 00 1234, तो हम लोग कंकैटिनेट कर देंगे उसके स्टार्ट में दो जीरोस। उसके बाद राइट द न्यू लाइन टू इमेज डॉट टीएक्सटी, फिर हम लोगों ने ये फाइल राइट कर देनी है और हमने ये रिपीट करना है स्टेप फॉर ऑल लाइन्स इन द ओरिजिनल फाइल। ओरिजिनल फाइल में ऑल लाइन्स का मतलब है कि हम लोग एंड ऑफ फाइल तक ही लेके चलेंगे। तो हम लोगों ने जिस तरह उसमें दोनों फाइल्स एट द सेम टाइम ओपन की थी वही करना है, एक को रीड मोड में करना है एक को राइट मोड में। तो प्रोसीजर मेक न्यू फाइल, थोड़ी सी लाइंस हम लोग छोड़ देते हैं डिक्लेरेशन के लिए, उसके बाद हम लोग करेंगे दोनों फाइल्स को ओपन। ओपन फाइल न्यू ईमेल डिटेल्स डॉट टी एक्स टी, और ये एक न्यू फाइल है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, तो राइट ओपन फाइल ईमेल डिटेल्स डॉट टी एक्स टी, और इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं रीडिंग के लिए। अब जिस पे रीड लगता है ये बात याद रखना, उसी पे हमेशा वाइल लूप लगता है एंड ऑफ फाइल का। तो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल किस पे लगेगा, ईमेल डिटेल्स डॉट टी एक्स टी पे, कॉपी करके ले आते। जब तक इसका एंड ऑफ फाइल नहीं आता हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रीड फाइल, कौन सी फाइल रीड करनी है, ईमेल डिटेल्स डॉट टी एक्स टी, और इसका डेटा हम लोग ले जाएंगे फाइल डेटा के अंदर। फाइल डेटा के अंदर लेके जाने के बाद अब हमें यही लाइन राइट करनी है न्यू इमेज डिटेल डॉट टी एक्स टी में, क्या करके उस स्टार्ट में दो जीरो को, तो हम लोग एक वेरिएबल में कर देते हैं न्यू लाइन। न्यू लाइन में क्या होगा, डबल जीरो जिसको हम कंकैटिनेट, डबल जीरो को भी स्ट्रिंग में लिख लो, जिसको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं फाइल डेटा के। अब मैं ये डायरेक्टली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेंबरशिप नंबर हर किसी के स्टार्ट में लिखा हो, तो उस मेंबरशिप नंबर के पीछे दो जीरोस कंकैटिनेट हो जाएंगे। अब इस न्यू लाइन को हम लोग लिखेंगे न्यू ईमेल डिटेल्स डॉट टी एक्स टी कॉमा न्यू लाइन, इसमें हम लोग न्यू लाइन ऐड कर देंगे, और उसके बाद एंड वाइल हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं, और उसके बाद अब इन दोनों फाइल्स को हम लोग कर देते हैं क्लोज। क्लोज फाइल न्यू ईमेल डिटेल्स और टीएक्सटी, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड प्रोसीजर, छोटा सा कोड था प्रोसीजर। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन देख लो, डिक्लेयर क्या क्या यूज किया, फाइल डेटा यूज किया है, फाइल डेटा कॉमा न्यू लाइन, ये दो हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग, और बस ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डिक्लेयर नहीं किया हमने। तो ये इतना सही कोड था, दोबारा इसको पढ़ लो, एक को हम लोग क्रिएट किया था, एक हम लोग को रीड मोड में बोला था, फिर एंड ऑफ फाइल इस पे लगता है हमेशा रीड वाली फाइल पे लगता है, हम उसमें से फाइल एक लाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं, समझ लो ये लाइन हमने, हम पे एग्जांपल, हम ये लाइन पूरी की पूरी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके स्टार्ट में दो जीरोस डालते हैं और इसे न्यू न्यू फाइल में लिखते हैं, और ये कब तक कर रहे हैं, जब तक सारी लाइन्स पे ये काम नहीं हो जाता, और उसके बाद हम दोनों फाइल्स को क्लोज कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद ये अब लास्ट पार्ट है आपका, अ फंक्शन इज वैलिड ईमेल इज टू बी रिटन टू टेस्ट फॉर अ वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट। अच्छा वैलिड ईमेल एड्रेस के तीन रूल्स क्या हैं, सबसे पहले उसमें एक ऐट का सिंबल होना चाहिए, इट कंटेन द सिंगल ऐट का सिंबल,
ये बात याद रखो कि ऐट का सिंबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। दैट सिंबल मस्ट बी प्रिसीडेड बाय एटलीस्ट वन कैरेक्टर। प्रिसीडेड का मतलब है कि ऐट के बाद एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए। द ऐट प्रिसीडेड सॉरी 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 प्रिसीडेड लिखा हुआ है तो उससे पहले एक कैरेक्टर होना चाहिए। दैट सिंबल मस्ट बी फॉलोड बाय एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स होने चाहिए, पहले एक कैरेक्टर एटलीस्ट, उसके बाद एटलीस्ट तीन कैरेक्टर्स। फिर वो कह रहे हैं चूज थ्री डिफरेंट इनवैलिड स्ट्रिंग्स टू टेस्ट डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज रूल्स। और क्या तीन रूल्स हैं, आपने तीन ऐसे ईमेल एड्रेसेस बताने जिससे एक टाइम पे सिर्फ एक रूल वायोलेट हो रहा हो। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करनी है अपनी फर्स्ट। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इट कंटेन्स अ सिंगल ऐट सिंबल। तो सिंगल ऐट सिंबल की जगह हम लोग या तो ये कर सकते हैं कि ऐट का सिंबल डालें ही ना, या हम डबल ऐट का सिंबल डाल दें। तो हम लोग कर देते हैं, पेपर्स डॉट डॉट कॉम। यहाँ पे हमने ऐट नहीं किया, ऐट का सिंबल यूज नहीं किया, तो इसकी वजह से पहला रूल वायोलेट हो गया। वायलेट्स द फर्स्ट रूल। बाय एडिंग नो एट द रेट। अच्छा उसके बाद दैट सिंबल मस्ट बी प्रिसीडेड बाय एटलीस्ट वन कैरेक्टर। एटलीस्ट वन कैरेक्टर है तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक कैरेक्टर भी नहीं देते, एट डॉट कॉम। अब ये क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग सेकेंड रूल। बाय प्रिसीडिंग एट विद नथिंग, ताकि हम ये देख सकें कि वो इस केस में कैसे बिहेव करता है। थर्ड रूल क्या है, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर्स। इसमें हम लोग कर देते हैं एट, चलो पहला रूल अब हम फॉलो करेंगे, हेलो एट। अब तीन कैरेक्टर्स हम लोग आगे नहीं देते, तीन क्या एक भी नहीं देते। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रूल टेस्ट कर रहे हैं थर्ड वाला, टेस्टिंग थर्ड रूल। बाय फॉलोइंग एट विद नथिंग। तो यहाँ पे हम लोग अब तीनों अलग अलग रूल्स एक टाइम पे अलग अलग टाइम्स पे टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आप लोगों का पेपर ख़त्म हो जाता है, इतना कोई खास मुश्किल पेपर नहीं था, ज़्यादातर ये लॉजिकल ही था, कोडिंग वाला पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो खैर फिर भी आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ लो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको जवाब दे दूँ। लेकिन चलो आगे इंशाल्लाह अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 2018 और 19 कंप्लीट करें, ताकि हम लोग जा सकें। तो खैर फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।